सो चैप्टर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम में लास्ट टाइम हमने कुछ लेक्चर लिए थे उसके, आज हम कुछ और न्यूमेरिकल्स को इसके सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले तो एक पेज नंबर 163 पर क्वेश्चन नंबर 2 आपको मिलेगा, ठीक है, बुक के अंदर। मैंने क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन कर दिया, यही सवाल लिखा होगा आपकी बुक में कि राइट एक्सप्रेशन ऑफ के सी एंड के पी फॉर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। के राइट एक्सप्रेशन फॉर ऑफ के सी एंड के पी फॉर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन। दो रिएक्शंस हैं रिवर्सिबल, इनके लिए के सी और के पी की एक्सप्रेशन लिखिए। के सी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, के पी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। सी फॉर कंसेंट्रेशन, पी फॉर प्रेशर। के सी में कंसेंट्रेशन रखी जाती है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, और के पी में प्रेशर रखा जाता है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का। दोनों का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, लेकिन के सी में कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और के पी में प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये जस्ट आपको इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन शो करनी है। पिछली क्लास में भी एक सवाल मैंने आपको ऐसा कराया था, एग्जाम्पल 7.1 याद होगा, लेकिन उसमें सिर्फ के सी कराया था, अब के पी भी करना है। अब देखो कैसे करते हैं, आंसर लिख रहा हूँ उसका मैं। सबसे पहले के सी की एक्सप्रेशन निकालते हैं, के सी इक्वल टू ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या हमारे पास है, अमोनिया और वाटर। तो आपको पता है कंसेंट्रेशन के लिए लार्ज ब्रैकेट यूज करते हैं, NH3 इसका स्क्वायर, क्योंकि जो कोफिशेंट होता है वो पावर बन जाता है, और बराबर में क्या हो गया उसके H2O और उसकी पावर 4। ठीक है, नीचे अब रिएक्टेंट क्या आ जाएगा, पहले NO2 और NO2 का स्क्वायर, और फिर ये H2 पावर 7। सही है, ये के सी की एक्सप्रेशन हमारे पास निकल गई, आंसर हो गया एक के सी का। अब के पी निकाल दें इसी इक्वेशन के लिए। के पी में बस क्या करना होगा बच्चों, प्रेशर यूज करना होगा बजाय कंसेंट्रेशन यूज करने के। तो ये प्रेशर ऑफ अमोनिया, प्रेशर ऑफ अमोनिया इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रेशर ऑफ वाटर इसकी पावर 4 अपॉन प्रेशर ऑफ NO2 स्क्वायर इंटू प्रेशर ऑफ H2 पावर, ये के पी निकल गया। सही है, तो वो तो स्लाइड सा एक डिफरेंस, इसमें कंसेंट्रेशन यूज कर रहे हैं, इसमें प्रेशर यूज कर रहे हैं। आप सेम इसी तरह से इसका भी निकाल सकते हैं, यू कैन डू इट योर सेल्फ, या मैं करूँ उसको, कर लोगे? ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डू इट योर सेल्फ। ठीक है भाई, तो ये आपका होमवर्क हो गया, सेम हो गया एज इट इज काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अभी लिखे नहीं, एक साथ सारा लिखना है। एग्जाम्पल नंबर 7.4, एग्जाम्पल नंबर 7.4 क्या है बच्चों आपके पास, के ये सवाल मैंने पूरा लिखा हुआ है बुक में, आप बाद में चेक कर लेना। एक इक्वेशन आपके पास दी गई है बच्चों, देयर इज एन इक्वेशन गिवन टू यू, रिवर्सिबल रिएक्शन आपको दे दिया गया है, और उसमें क्या कह रहे हैं आपसे कि एट अ सर्टेन टेम्परेचर द पार्शियल प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज, NO की दे दी गई है प्रेशर 0.17 atm, Cl2 की दी गई है 0.2 atm, और NOCl की दी गई है 1.4 atm। तीनों के दोनों रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट का प्रेशर एटीएम में बता दिया गया है, और आपसे क्या कैलकुलेट करने कहा जा रहा है, केपी। अब केपी का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट, इक्वेशन को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डेटा बनाएंगे, चूंकि अब ये न्यूमेरिकल है, दिस वॉज नॉट द न्यूमेरिकल, ये फिर जस्ट एक सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ये न्यूमेरिकल है 7.4, चूंकि वैल्यूज आ गई है इसके अंदर। सबसे पहले इसमें हम जो है बच्चों बनाएंगे डेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ डेटा हियर, और डेटा में सबसे पहले प्रेशर जिस इसका गिवन है, NO का प्रेशर गिवन है, Cl सबका लिखेंगे। तो प्रेशर ऑफ NO नीचे सब स्क्रिप्ट में लिखना है, वो कितना गिवन है 0.17 atm। फिर प्रेशर ऑफ Cl2 कितना दिया हुआ है बच्चों 0.2 atm, और प्रेशर ऑफ NOCl ये कितनी दिया हुआ है 1.4 atm। और मालूम क्या करना है आपको, KP क्वेश्चन मार्क्स। सही है भाई, इजी डेटा है भाई, देखा उसको देखकर लिख लिया सारे चीज़ों को। इसके बाद आ जाते हैं हम क्या करते हैं भाई, नाउ वी आर गोइंग टू डू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करेंगे, फॉर्मूला क्या लगेगा कि केपी निकालना है तो ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट। ठीक है, सिंपल। तो केपी इक्वल टू, एज वी नो दैट केपी इक्वल टू, अब ऊपर आना चाहिए प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है NOCl, प्रेशर ऑफ NOCl, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा प्रेशर ऑफ NO इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रेशर ऑफ Cl2। उसके ऊपर तो कुछ नहीं आएगा चूंकि पीछे वाले कोफिशिएंट क्लियर है,
दिस इज द फॉर्मूला, ये इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन हमने इसकी बना ली। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, के पी इक्वल टू प्रेशर ऑफ NaCl हमारे पास कितना है 1.4 का स्क्वायर अपॉन NO कितना है भाई 0.17 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.2। चेक करें कितना आ रहा है KP, 339.1। बुक में भी यही आ रहा होगा अगर आप देखेंगे तो 339.1 यही है भाई 339.1। अच्छा इसमें एक चीज ऐसी है जो कि देर इज रॉन्ग इन बुक, और वो क्या है कि भाई यूनिट, यूनिट के बारे में मैंने आपको बेटा लास्ट क्लास में अगर थोड़ा सा रिवाइंड करो तो आपने पढ़ा था कि मैंने बताया था केसी, द यूनिट ऑफ केसी डिपेंड्स अपॉन केमिकल इक्वेशन। केसी की और केपी की यूनिट केमिकल इक्वेशन पर डिपेंड करती है। कभी भी ये नहीं कहना है कि इट हैज़ नो यूनिट, इसकी यूनिट हर बार निकालनी पड़ती है। अब यहाँ पर पहली बार मैं आपको यूनिट निकाल कर इसको दिखाता हूँ कैसे निकलती है। देखो यहाँ पर चेक करो, इसके आगे रफ वर्क में आप निकाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप फेयर में करें। केपी की यूनिट निकालनी है ना, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन पे आओ, प्रेशर का स्क्वायर, प्रेशर की यूनिट होती है ATM ना, तो ATM का स्क्वायर अपॉन, फिर से ATM का स्क्वायर, ATM का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, और ये सिर्फ ATM, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा यहाँ पे, ATM स्क्वायर से ATM स्क्वायर कैंसिल, 1/ATM, ये ATM इनवर्स, ये आएगी यूनिट इसकी। तो ये यूनिट लिखनी पड़ेगी, बुक में नहीं लिखी हुई है तो आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक है, कुछ हो गया ऐसा, बस समझ में आ गए। इजी न्यूमेरिकल है, कोई इतना मुश्किल तो नहीं है। अब आ जाते हैं उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, पेज नंबर 148 का सेल्फ असेसमेंट। ये भी केपी की ही बात इसमें कर रहे हैं, केपी निकालने सवाल, लेकिन इसमें इस फॉर्मूले से नहीं निकलेगा। मैंने एक और चीज़ अगर आपको याद करो तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, रिलेशनशिप बिटवीन केसी एंड केपी। देखो दोबारा से फॉर्मूला क्या था कि केपी इक्वल टू केसी आरटी उसके बाद डेल्टा एन पावर, इसको यूज़ करेंगे हम इसमें। पहले सवाल पढ़ लेते हैं फिर यूज़ करते हैं। एक इक्वेशन दी भी है रिवर्सिबल, सारे गैसियस फॉर्म में, तो केपी निकाली जा सकती है। ये भी गैस होता है, H2S भी गैस है, कार्बन डाइसल्फाइड भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, आपको ये सब नहीं सोचना है, गैस ही होती है, तभी तो केपी निकालना है। अगर सॉलिड दे दिया और केपी पूछा तो बुक वाले की गलती है या फिर पेपर बनाने वाले की गलती है, आपकी कोई गलती नहीं है, आपको बस केपी निकाल देना है, आपको नहीं देखना है गैस है कि नहीं है। मुझे पता है वैसे ये सारे गैसेस हैं, और आप में से केमिस्ट्री अच्छा है वो भी जानेगा गैस है, ठीक है। नाउ इफ केसी फॉर दिस रिएक्शन, ऊपर दिए गए रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू कितनी गिवन कर दी उन्होंने, 7 to 7 degrees, सॉरी ये टेम्परेचर और केसी की वैल्यू गिवन कर दी 4.2 × 10⁻³। तो ये केसी की वैल्यू है और ये टेम्परेचर है, क्या मालूम करना है आपको, केपी मालूम करना है, ठीक है बेटा। तो डेटा सबसे पहले बनाते हैं फिर उसके बाद आगे सोल्यूशन का काम शुरू करते हैं। तो इसमें पार्शियल प्रेशर्स नहीं देंगे सवाल की तरह कि ये इस तरह से हम कर लें, इसमें हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो केसी दिया हुआ है भाई, केसी कितना दिया हुआ है 4.2 × exp−3, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 727 डिग्री, इसको हमेशा कैलविन में रखना पड़ता है टेम्परेचर, 273 प्लस करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 1000 केल्विन आ जाएगा, सही है। और निकालना क्या बच्चों हमें, केपी, क्वेश्चन मार्क, सही है, वेरी इजी। अब आ जाते हैं हम सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। अब चूंकि केसी दिया हुआ है, केपी निकालना है, तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करें, केपी इक्वल टू केसी आरटी डेल्टा एन, ठीक है पावर। तो एज वी नो दैट केपी इक्वल टू केसी, ठीक है, उसके ब्रैकेट आरटी और ऊपर पावर डेल्टा एन। तो सबसे पहले यूनिट सारी चीज़ें पुट करते हैं, केपी इक्वल टू केसी हमारे पास आ गया 4.2 × exp−3, ये केसी आ गया। उसके बाद आर, गैस कांस्टेंट है आर, क्या है 0.0821, टेम्परेचर 1000, उसके बाद डेल्टा एन। अब डेल्टा एन इज चेंज इन वॉल्यूम, मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। डेल्टा एन यहाँ पर क्या होता है, डेल्टा एन होता है हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम, और ये चेंज इन वॉल्यूम बराबर किसके होता है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ये मैंने पीछे भी लिखा है दोबारा लिख दे रहा हूँ, माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट के मोल को रिएक्टेंट के मोल से आप जब माइनस करते हैं तो आपको डेल्टा एन आ जाता है, ठीक है। तो अब जरा हम यहाँ पर चेक करते हैं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, डेल्टा एन कैसे फाइंड आउट करें, मतलब डेल्टा एन बराबर किसके, ये आपको लिखना नहीं है, मैं बता रहा हूँ यहीं पर लिख दे रहे हैं कि मोल्स ऑफ
प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पे भी लिख दिया मैंने वो चीज़, वहाँ पे भी लिखी थी, ये डेल्टा एन है। तो अब यहाँ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, आपको ये चीज़ कहाँ से पता लगेगी? ये चीज़ आपको इक्वेशन से पता लगेगी, केमिकल इक्वेशन से, ठीक है। ऊपर देखें, यहाँ पर चेक करें, मोल्स ये प्रोडक्ट है, अब ये सी एस टू का एक मोल है, मोलर कोफिशिएंट वन है, वन प्लस, और इसका कितना है 4, तो ये 5 मोल आ गया। अब यहाँ रिएक्टेंट पे आ जाओ, इसका कितना है भाई 1 है, और इसका कितना है भाई तो 3 आ गया। तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा डेल्टा एन निकालने के लिए क्या, 5 माइनस 3, समझ गए? क्या सर इतना मुश्किल नहीं है, बस इक्वेशन को देखते हुए करना। अब पूरा इकट्ठे सॉल्व कर सकते हैं अगर आप करें, देखें क्या आ रहा है, बताएं आंसर। मैं इसको एक बार, यस 38.3, और क्रॉस चेक करें उसको, इसको 28.3, ये और कोई और बताएं, दो बच्चे कंफर्म करें फिर आगे लिखते हैं आंसर। 28.3 यही आ रहा है, ठीक है, इक्वल टू 28.3 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ केपी। अच्छा, अब इसकी यूनिट, इसकी भी देख लेते हैं, इसकी यूनिट में ना, यूनिट यहाँ पर इसमें आई थिंक बुक में दोबारा यूनिट नहीं लिखी होगी ना इसकी, बल्कि है ना भाई आंसर में बस ये 28.3 लिखा होगा, यूनिट नहीं होगी, यूनिट निकालनी पड़ेगी दोबारा से, यूनिट निकालनी पड़ेगी दोबारा, यूनिट निकाल कर मैं इसको शो करता हूँ कैसे निकलेगी। तो इसके लिए, अच्छा, यूनिट निकालने के लिए आपको केपी की एक्सप्रेशन बनानी पड़ जाएगी, थोड़ा सा मेहनत लगेगी उसमें, रफ वर्क में लेकिन करना पड़ेगा। तो अब केपी बराबर किसके हो गया, केपी बराबर हो गया प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रेशर ऑफ सी एस टू मल्टीप्लाई बाय प्रेशर ऑफ एच टू पावर 4 अपॉन प्रेशर ऑफ सी एच 4 मल्टीप्लाई बाय प्रेशर ऑफ एच टू एस इसका स्क्वायर। अब ये एटीएम हुआ, एटीएम की पावर 4, एटीएम की पावर 4 अपॉन ये एटीएम हुआ, और ये एटीएम की पावर स्क्वायर, और आगे बढ़ते हैं, एटीएम की पावर 5 अपॉन एटीएम की पावर 3, 5 माइनस 3 हो जाएगा, एटीएम स्क्वायर हो जाएगा, तो ये एटीएम स्क्वायर में आंसर। देखो यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर केपी की यूनिट है एटीएम इनवर्स या एटीएम स्क्वायर, इससे ये साबित होता है कि डिपेंड्स अपॉन इक्वेशन, इक्वेशन चेंज हो जाएगी तो फिर यूनिट चेंज हो जाएगी। तो निकालने को मुश्किल काम नहीं है, आंसर तो आपका यहीं पर आ गया था, बट यूनिट के लिए थोड़ा और मेहनत, कोई मसला? तो बेटा पेज एग्जाम्पल नंबर 7.2 आप देखें, इसको सॉल्व करते हैं जरा, क्या सब, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं ठीक तरह से, फिर आते हैं उसके सॉल्यूशन, डेटा, इन सब सारी चीज़ों की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 7.2 जो है वो, इसमें एक इक्वेशन मौजूद है, तो उसके सारे पैटर्न क्वेश्चन इसी तरह के होते हैं कि इक्वेशन होती है उसके साथ फिर चीज़ें होती हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन गिवन है, SO2 को O2 से रिएक्शन करा रहे हैं, SO3 बन रहा है, इसके नेम वगैरह क्या है इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमें एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, हमें फॉर्मूला ढूंढना है, वैल्यूज को पुट करके सही आंसर निकालना है। सेकेंडरी की जो केमिस्ट्री है वो इन चीज़ों पर डील करती है कि इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, इसका फ़ायदा क्या है, किस कलर की गैस होती है ना, इससे क्या चीज़ें बनाई जाती हैं, क्या इसकी नेचर है, ये सब प्योर केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड ईयर की। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री आपको पता है वो फिजिकल केमिस्ट्री है, न्यूमेरिकल बेस्ड केमिस्ट्री है, ठीक है। तो इन चीज़ों पे परेशान मत होना कि सर ये है क्या चीज़, हमें तो पता ही नहीं, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, हमें आंसर यूज़ करना है उसके अंदर, ठीक है ना। नीचे जो बात दी गई उसके थ्रू हमें आंसर बता दें, ठीक है। तो इन एन एक्सपेरिमेंट देर आर 5 मोल्स ऑफ SO2, 4 मोल्स ऑफ O2 एंड 2.8 मोल्स ऑफ SO3 प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। एक एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो 5 मोल SO2 के, 4 मोल O2 के और 2.8 मोल्स SO3 के इक्विलिब्रियम पर मौजूद थे। इक्विलिब्रियम स्टेट इन अ 2 DM³ फ्लास्क, ये वॉल्यूम दिया हुआ है, 2 DM³ फ्लास्क के अंदर ही रिएक्शन हो रहा था। तो कैलकुलेट कीजिए KC बताइए, जिस तरह से हमने KP निकाला था ना इससे पिछले क्वेश्चन के अंदर, KP इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इस तरह से KC निकालने के लिए हमारे पास ये भी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होगा, लेकिन हम इसमें प्रेशर के बजाय अब कंसनट्रेशन को यूज़ करेंगे, ठीक है, मोलारिटी को यूज़ करेंगे। तो उस पर आ जाते हैं, सबसे पहले जो है वो हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास इसमें यहाँ पर बनेगा डेटा, ठीक है। अच्छा, डेटा में हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के हमें मोल्स दिए हैं, मोलारिटी नहीं दी हुई है, मोल्स दिए हैं, ठीक है ना। तो हम इस मोल्स को स्मॉल n से शो करते हैं चैप्टर 1 के अंदर। तो मोल्स ऑफ SO2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 ये कितने हैं भाई, 5 मोल्स हैं, तो 5 मोल लिख दिया, ठीक है। इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
ऑक्सीजन ये कितना दिया हुआ है बच्चों, 4 मोल, तो 4 मोल लिख दिया यहाँ पर। इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 ये कितना दिया हुआ है भाई, 2.8 मोल, तो ये लिख दिया। और वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम को कैपिटल वी कह सकते हैं, ये कितना है भाई, 2 dm³, तो वॉल्यूम लिख दिया। वॉल्यूम क्या करना है आपको है, केसी मालूम करना है, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसके बाद अब आते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। केसी मालूम करना है, केसी बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो केसी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ऊपर आएगा प्रोडक्ट और नीचे आएगा रिएक्टेंट। ठीक है, तो प्रोडक्ट में क्या हमारे पास है, SO3। तो SO3 की कंसंट्रेशन आपको पिछली क्लास में बताया था, लार्ज ब्रैकेट कंसंट्रेशन ब्रैकेट है, इसका स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, SO2 का स्क्वायर और साथ में O2। अब इसके O2 में कुछ नहीं आएगा। अच्छा, एक मसला ये है, ये जो लार्ज ब्रैकेट है दिस इज कंसंट्रेशन ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो लार्ज ब्रैकेट हमारे पास होती है, ठीक है, इसके अंदर हम कोई भी चीज़ लिखते हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पर हमने इसके अंदर ऑक्सीजन लिख दिया O2, तो इसको हम पढ़ेंगे किस तरह, जिसको हम इस तरह पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ O2, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये नहीं पढ़ेंगे लार्ज ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीजन, नहीं, हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ O2, ये तरीका है इसको पढ़ने का। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर। अच्छा, कंसंट्रेशन किसे कहते हैं, कंसंट्रेशन को हम लोग मोलैरिटी भी कहते हैं, मोलैरिटी ऑफ O2, तो मोलैरिटी और कंसंट्रेशन एक ही चीज़ होती है, तो ये भी कह सकते हैं मोलैरिटी ऑफ ऑक्सीजन। और मोलैरिटी किसे कहते हैं, मोलैरिटी असल में हमारे पास होते हैं, दिस इज मोल्स पर dm³, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा मोलैरिटी का फॉर्मूला, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे। तो मोलैरिटी की यूनिट हम कैपिटल एम भी लिखते हैं और उसको मोल पर dm³ भी लिखते हैं। 9 क्लास में बच्चे उसको कैपिटल एम लिखते हैं, कॉलेज लेवल पर रहते हैं तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिखते हैं, दोनों एक ही चीज़ अगर देखा जाए तो, क्योंकि फॉर्मूला तो यही होता है ना, मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन dm³ या लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन, तो बात तो वही है। तो इसका मतलब अगर हमें ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन मतलब मोल पर dm³, मोलैरिटी, ठीक है, और हमें दिया हुआ क्या है, मोल दिया हुए हमें यहाँ पर लगाना है मोलैरिटी और दिया हुआ है मोल, बात समझ आ रही है, मोल्स दिए हुए सारे, मोल्स नहीं फिट कर सकते हैं उसके अंदर, मोलैरिटी रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इन तीनों की मोलैरिटी मालूम करनी होगी। अब मोलैरिटी के लिए लार्ज ब्रैकेट के अंदर SO2, इस तरह लार्ज ब्रैकेट के अंदर O2, इस तरह से कंसंट्रेशन ऑफ SO3, सही है, और ये क्या आएगा इसके लिए, अच्छा फॉर्मूला क्या होता है, मोल अपॉन dm³, मोल्स को हम लीटर से डिवाइड कर देंगे, लीटर आपको पता है वॉल्यूम गिवन है 2, इसी वजह से दिया हुआ था ये, ताकि मोलैरिटी निकाल सके। तो इसको क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 4/2, ये हो जाएगा 2.8/2, तो ये कितना निकल गया, 5/2 2.5। अब 2.5 मोल्स पर dm³ भी लिख सकते हैं, कैपिटल एम भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, मैं अक्सर कैपिटल एम लिख रहा होता हूँ, तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। ये तो आपको पता है सिंपल 2 आ गया, और ये कितना आ गया इसका बताओ, 1.4। समझ में आई बात, क्यों किया ये काम, कंसंट्रेशन, मोल को कंसंट्रेशन में कन्वर्ट कर लिया, मोलैरिटी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ज़रूरी था, वरना हम पुटी नहीं कर पाएंगे इसके अंदर, वैल्यू ही नहीं रख पाएंगे, सही है। तो सवाल में जो कि मोल में दिया गया था, तो मोल में रखा हमने, सही है। तो अब केसी इक्वल टू, अब देखो SO3, ठीक है, यहाँ पर हो गया 1.4 स्क्वायर, और SO2 कितना है भाई, 2.5 का स्क्वायर, और O2 कितना है भाई, 2, निकालें इसका केसी कितनी निकल जाएगी इसकी, कैलकुलेट करें, आंसर बताएं, 0.15, सही है भाई, बाकी बच्चे देखिए यही आ रही है, बुक में भी चेक कर सकते हैं, शायद यही आ रही हो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें यूनिट की बात करते हैं, यूनिट निकाली जाएगी, अब यूनिट यहाँ से निकालेंगे, चेक करें दोबारा, अच्छा इस बार ATM नहीं, चूंकि कंसंट्रेशन है तो मोलैरिटी, कैपिटल एम, मोल्स पर dm³ की मोलैरिटी, शॉर्टकट में मोलैरिटी। अब ये मोलैरिटी का स्क्वायर हुआ, ये मोलैरिटी का स्क्वायर हुआ, और ये सिर्फ मोलैरिटी हुआ, यूनिट निकाल लिया ना, 1/ मोलैरिटी, ये मोलैरिटी इनवर्स,
तो कैपिटल एम पावर माइनस वन, समझ में आई बात? तो मसला ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो ये आज का आखिरी सवाल है, तो इसमें तो कोई मसला नहीं है ना किसी को, क्लियर है ये क्वेश्चन? एग्जाम्पल नंबर 7.2। फाइव मोल, अच्छा ये तो इक्वेशन के लिहाज से दिया गया है कि 2 moles ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद 1 mole ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 moles ऑफ SO3। ये तो स्टोइकोमेट्रिक रिलेशनशिप है उसके बीच में, और ये एक एक्सपेरिमेंट जो किया गया तो उसमें बताया गया है कि इक्विलिब्रियम पर इतने इतने मोल्स थे। ये जो मोल्स हैं ये आपको जस्ट रिलेशनशिप शो कर रहा होगा स्टोइकोमेट्री के अंदर, लेकिन इक्वेशन के अंदर तो हम जाहिर सी बात है कुछ भी मोल यूज़ कर सकते हैं उसके, कितने भी। तो यहाँ पर मर्जी के लिहाज से दिया हुआ उन्होंने, ठीक है, हमें इस मोल्स को देखना है, इक्वेशन के नंबर ऑफ मोल्स को नहीं। ठीक है बेटा, लास्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, पेज नंबर 163 क्वेश्चन 4, एंड दिस इज स्लाइटली, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं। H2+I2 रिएक्शन है 2HI, ठीक है, इसको ज़रा गौर से समझिए, ये थोड़ा देर से समझ में आएगा। दोनों को प्लस मतलब H हाइड्रोजन आयोडीन की रिएक्शन करने से 2HI बन रहा है, ठीक है। 1.2 moles of H2 and 1.2 moles of I2 were injected in an evacuated 1000 cm cube flask and start the reaction to occur at 440 degrees centigrade until the equilibrium is reached. If Kc for this reaction is 49, calculate the equilibrium concentration of H2, I2 and HI. कह रहे हैं कि किसी रिएक्शन में 1.2 मोल हाइड्रोजन, 1.2 मोल आयोडीन, इन दोनों को एक 1000 cm क्यूब के फ्लास्क में इंजेक्ट किया गया और रिएक्शन शुरू हो गया। मतलब ये इनिशियली कंसंट्रेशन कह रहे हैं, इनिशियली शुरू में हमने रिएक्टेंट के 1.2 मोल हाइड्रोजन के और 1.2 मोल आयोडीन के, उसको हमने एक 1000 cm क्यूब के फ्लास्क में डाला, इक्विलिब्रियम, उसके बाद रिएक्शन स्टार्ट हो गया। 1000 cm क्यूब का फ्लास्क है, मतलब 1 लीटर का फ्लास्क था, 1 dm क्यूब का फ्लास्क था, टेम्परेचर रखा 440 डिग्री सेंटीग्रेड। इस रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर का कोई काम नहीं होता इसमें फिलहाल, ठीक है, काम नहीं आएगा आगे, बस कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर हो रहा है, इसके लिए टेम्परेचर नोट करते हैं। अनटिल द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, यहाँ तक के 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, किसी भी टाइम के बाद इक्विलिब्रियम रीच हो गया, रिएक्टेंट थोड़ा सा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ और रिएक्शन स्टॉप हो गया, और बाहर आपको लग रहा है जैसे स्टॉप हो गया लेकिन वो दोनों डायरेक्शन में कंटिन्यू है, इक्विलिब्रियम रीच कर गया। इफ Kc फॉर दिस रिएक्शन इज 49, अगर इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू 49 है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ H2, I2 एंड HI। मालूम कीजिए इक्विलिब्रियम पर दोनों रिएक्टेंट्स और इस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी होगी। अच्छा बच्चे बोलते सर ये तो दो तो पहले ही दे दिया इन्होंने, H2 I2 का तो आ गया, नहीं बहुत गलत बात है, ये दोनों जो दी गई ना, इनिशियल कंसंट्रेशन दी गई है, मिक्स कितना किया था उसके बाद तो जाहिर सी बात है इक्विलिब्रियम तक यह पहुंचा तो थोड़ी कमी आ गई होगी उसके अंदर। अब इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के बाद फिर H2, I2 और HI कितना होगा इसकी कंसंट्रेशन बतानी है। इस बार Kc जब दे देगा तुमसे तो कंसंट्रेशन पूछेगा, वरना कंसंट्रेशन देता था तो Kc पूछा था। अच्छा यहाँ पर इतने मोल प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर है ये, तो हमने डायरेक्ट Kc के वैल्यू फिट की आंसर आ गया, लेकिन यहाँ पर ये दोनों इक्विलिब्रियम पर नहीं इक्वेशन दी है, तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। इस सूरत में हमें थोड़ा सा काम करना पड़ता है, एक टेबल बनानी पड़ती है जब इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन हो, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए कुछ वर्ड्स हमारे पास होते हैं, जो आदि से इंजेक्टेड आया ना, इंजेक्टेड, इंट्रोड्यूस्ड, मिक्स्ड, वार्म्ड, इस तरह के वर्ड्स आ रहे होते हैं, मतलब तो मतलब कि डाला गया फिर रिएक्शन स्टार्ट किया गया, ठीक है। अब इसमें डेटा जो हम बनाते हैं ना, इसका डेटा वो एक फिक्स तरह से उसका डेटा इसमें बनेगा, इसमें डेटा हमारे पास बनेगा, इसमें हम आइस टेबल बनाएंगे, इसके डेटा में आइस टेबल बनती है। अभी आइस टेबल किसे कहते हैं उसको समझा देता हूँ, आइस टेबल क्या है, क्योंकि ये चैप्टर 6 चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम के सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं, आइस टेबल जिसमें बनते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इक्वेशन दोबारा से लिख देना है, H2+I2 रिएक्शन आ रहा, उसके बाद आपने जैसे लिख दिया 2HI, ठीक है। आइस टेबल किसका, आइस मतलब बर्फ नहीं है यहाँ पर, ICE, तीन अल्फाबेट्स हैं ये, तीनों के अलग अलग मीनिंग्स हैं। आई फॉर हमारे पास से इनिशियल कंसंट्रेशन, सी का मतलब यहाँ पर है हमारे पास चेंज इन कंसंट्रेशन, और ई से मुराद यहाँ पर हमारे पास है इक्विलिब्रियम का। तो अब समझ गया आपके आइस क्यों कह रहा था मैं उसको, आइस मतलब क्या है,
आई स्टेबल इसको हम लोग केमिस्ट्री में कहते हैं। इनिशियल चेंज इक्विलिब्रियम, इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी थी, चेंज कितना आया, इक्विलिब्रियम पर कंसेंट्रेशन कितनी होगी, ये चीज़ आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर इनिशियल अच्छा इनिशियल कंसेंट्रेशन कैसे पता लगेगा, मैं नीचे आपको बता देता हूँ यहाँ पर, कि हमेशा क्वेश्चन को देखकर, सवाल को देखकर ही पता लगता है इनिशियल कंसेंट्रेशन कितना है। ठीक है, चेंज इन कंसेंट्रेशन आपको कहाँ से पता लगेगा बच्चों, ये हमें इक्वेशन को देखकर पता लगेगा। और इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन कैसे देखकर पता लगेगा, इनिशियल और चेंज दोनों को प्लस कर देंगे तो इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन पता लग जाएगा। ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ क्या तरीका है। अब आ जाते हैं उसमें वैल्यूज पुट करते हैं एक एक करके। ठीक है, अब H2 हाइड्रोजन, इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन सवाल में गिवन होगी 1.2 मोल। अब लेकिन कंसेंट्रेशन तो नहीं है, ये तो मोल्स है, मोल्स, और हमें कंसेंट्रेशन रखनी है, वो क्या होता है मोल पर DM³, तो इसको डिवाइड करने पड़ेगा लीटर से। क्या लीटर गिवन है कहीं पर, 1000 cm³ कितना हो गया, ये 1000 cm³ मतलब 1 dm³ भी हो गया ना ये, तो इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आ जाएगा, तो डायरेक्ट कैपिटल M लिख देते हैं, समझ गए, सेम आना है ना। और ये भी कितना गिवन है, I2 1.2 ही है, 1.2 मोलर। और इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो आपको पता है कि प्रोडक्ट तो होगा ही नहीं, इनिशियल है ना, इनिशियल जब टाइम स्टार्ट हुआ है ना, शुरू में एकदम स्टार्ट में 0 सेकंड में, तो प्रोडक्ट कहाँ होगा, प्रोडक्ट तो थोड़ी देर के बाद बनना शुरू होगा, तो फिर इनिशियल कंसेंट्रेशन में हमेशा प्रोडक्ट हमारा 0 आ जाता है। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम तक जाएगा रिएक्शन ये 5, 10, 15, 20, 25 मिनट के बाद, तो इसमें कमी आएगी, इसमें जाती होगी, ये आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, ये बढ़ेगा, यहाँ तक एक पॉइंट पर आकर रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। इक्विलिब्रियम की कहानी यही सुनाई थी मैंने आप, अब इसमें कमी आएगी, ये बढ़ेगा, ये माइनस होगा, वो प्लस होगा, अब कितना कम कितना बढ़ेगा इक्वेशन बताएगा, इसके पीछे 1 लिखा हुआ है, इसके पीछे 1, इसके पीछे 2, तो ये -1x कम हो जाएगा, ये -1x कम हो जाएगा, और ये +2x बढ़ जाएगा। तो ये कैसा लगाया मैंने इसको, ये इसको देखते हुए, इसकी इक्वेशन को देखते हुए, ये -x कम होगा, ये -x कम होगा, और ये 2x बढ़ेगा। इक्वेशन हमेशा माइनस, मतलब रिएक्टेंट हमेशा माइनस और प्रोडक्ट हमेशा प्लस, बढ़ेगा चेंज इतना ही आएगा ना कंसेंट्रेशन में। और ये एक्स कैसा लगा रहे हैं, इस मोल को देखते हैं, मतलब यहाँ पर जो पीछे कोफिशियंट लगा हुआ ना, मोलर कोफिशियंट, उसको देखते हैं। इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन क्या होगा, दोनों को मिलाकर लिख देंगे, 1.2 - x इसका क्या आ गया, 1.2 - x इसका क्या, कि 0 + 2x मतलब सिर्फ 2x। क्लियर है यहाँ तक बात, तो ये हमारा यहाँ पर इस तरह से इसमें जो है वो डेटा तैयार हो, हमें बताना क्या है H2, I2 और HI की इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन। अब ये हमें उस वक्त तक नहीं पता लग सकती जब तक हमारे पास x की वैल्यू ना आ जाए, और उसके लिए यहाँ पर कौन सी वैल्यू दी हुई है हमें, KC की वैल्यू दी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ KC की वैल्यू जब लगाएंगे तो फिर यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे ना। अब हम आते हैं सॉल्यूशन की तरफ, तो उसका डेटा बड़ा अलग टाइप का डेटा बनता है आइस टेबल का, क्योंकि इसके बिना अगर बुक को फॉलो करके बनाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला, ना समझ में आएगा। ठीक है, तो ये जो मेथड है इसको फॉलो करेंगे। सॉल्यूशन में आते हैं, KC बराबर किसके होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के, तब प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर है, HI का स्क्वायर अपॉन रिएक्टेंट क्या है यहाँ पर, H2 और I2 है, KC कितना है 49 इज इक्वल टू HI 2x है, इक्विलिब्रियम पर, चूंकि हमेशा ये जो कंसेंट्रेशन लिखी जाती है इक्विलिब्रियम की लिखी जाती है, तो इक्विलिब्रियम पर HI कितना है 2x, तो 2x का स्क्वायर ओवर 1.2 - x और ये कितना हो गया 1.2 - x, x निकालना है, थोड़ा मैथमेटिक्स वाला काम करना पड़ेगा। 49 इक्वल टू 2x, इसका होल स्क्वायर कितना हो गया 4x² और ये 1.2 - x और 1.2 - x। अच्छा एक मामला, इसको मैं ओपन नहीं करता हूँ, थोड़ा और इजी कर लेते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, और इसको भी 1.2 - x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, नहीं सॉरी टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड कर लेते हैं, आसान हो जाएगा ना भाई, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो रूट्स लेते हैं दोनों साइड की तरफ, तो यहाँ पर जब रूट लेंगे इसमें, तो ये तो रूट से कितना निकल के आएगा 7 इक्वल टू, और ये ख़त्म हो जाएगा 2x अपॉन 1.2 - x, इसको इधर ले जाते 7, 1.2 - x इज इक्वल टू 2x,
ऐसा ही है, याद रख सही को मसला। 7 × 1.2 8.4 − 7x = 2x 2x + 7x = 8.4 9x = 8.4 x = 8.4/9 कितना निकला x? 0.93। ये x आया। अब जब ये x आ गया, ठीक है, अब हम इन तमाम में पुट करके हम यहाँ पर निकाल सकते हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इन तीनों चीज़ों की, H2, I2 और HI की, सही है। तो अब यहाँ पर क्या करना है हमें कि कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। नाउ वी विल फाइंड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस। बड़े ध्यान से इसको देखें, सुने। तो भाई सबसे पहले H2 की निकाल लेते हैं। H2 कितना है? 1.2 − x, मतलब 1.2 − 0.93 कितना आ गया? ये 0.2, कैपिटल M लगा देंगे चूंकि मोलैरिटी मालूम हो रही है। ये I2 का भी इतना ही आ जाएगा चूंकि 1.2 − x है। और HI का अगर निकालना है तो HI किसके बराबर है? 2x, 2 × 0.93 कितना आ गया? ये 1.86। बुक में चेक करिए आंसर इसका, देखें इसको, पेज 163 क्वेश्चन 4 न्यूमेरिकल्स का। स्लाइटली आगे पीछे हो सकता है, यही है। तो मतलब क्या किया इसके अंदर हमने, इनिशियल कंसंट्रेशन जब दी जाए तो आई स्टेबल बनाया। आई स्टेबल बनाने के बाद फिर हमने केसी की एक्सप्रेशन लगाई। केसी की एक्सप्रेशन जब लगाई तो एक्स आ गया। एक्स की जो भी वैल्यू थी हमने यहाँ पर पुट करके इक्विलिब्रियम पर इन तीनों की कंसंट्रेशन मालूम कर ली। समझ में आ गई बात? तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, घर जाकर दोबारा देख लेना, अपलोड कर लूँगा कि कैसे किया इसको मैंने, ठीक है।